श्री नीरज डांगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन बिल 2021, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 में संशोधन का प्रयास है। 1998 के एक्ट के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी और उसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। यह बिल बेसिकली छह अन्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित हैं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। इसके अतिरिक्त यह बिल एक काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है जो कि बिल के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान का विकास हो और मापदंड बरकरार हो यह सुनिश्चित करता है। माननीय सभापति महोदय, जब हम मेडिकल साइंस की चर्चा करते हैं तो देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मेडिकल साइंस को रेगुलेट करने का काम फार्मा कंपनियां करती हैं। ऐसे में बड़े दुख की बात है कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च का कार्य भारत के बजाय अन्य विकासशील और विकसित देशों के अंदर ज्यादा प्रभावी ढंग से निष्पादित हो रहा है। अतः भारत में भी इन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह संशोधन बिल लाया जाना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसमें जितनी भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाना भी आवश्यक है और इस बिल का सही मायने में देश को लाभ मिल सके यह सुनिश्चित हो। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में इस संशोधन बिल हेतु मेरे कुछ सुझाव मैं रखना चाहूंगा जिससे इस संशोधन बिल का उद्देश्य सफल हो सके। रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट के अनुसार नाइपर अधिनियम के तहत 7 संस्थानों में संयुक्त वार्षिक इंटेक क्षमता केवल 1185 है जिसमें 1000 स्नातकोत्तर छात्र हैं और 185 पीएचडी छात्र हैं। हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए नाइपर्स की संयुक्त वार्षिक इंटेक क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च का लाभ प्राप्त हो सके। भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनरिक दवाएं भी आपूर्ति करने का कार्य भारत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतनी कम सीटें, ये मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्निर्णय होना चाहिए। भारतीय दवा क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माने जाने वाले 7 संस्थानों में वर्तमान सीटें पर्याप्त नहीं है। इन संस्थानों में इन सीटों को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। भले ही सभी नाइपर्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया हो, समिति की रिपोर्ट के अनुसार नाइपर्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस, कैंपस एरिया और एकेडमिक एंड रिसर्च आउटपुट में भारी असमानताएं मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में हर मापदंड के लिए मानकों को स्थापित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नाइपर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सके। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हम अगर देखते हैं तो 1998 के एक्ट के अनुसार बीओजी की कुल संख्या 23 है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार संशोधन नाइपर में बीओजी की संख्या को 12 सदस्यों तक युक्ति संगत बनाने का एक प्रयास किया गया है। साथ ही 1998 के अधिनियम की धारा 4(3)(m) के तहत यह कहा गया है कि 3 प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होगा, जिसे आगंतुक द्वारा पैनल में से नामित किया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के ऐसे प्रतिनिधित्व को 2000 के इस संशोधन बिल के अंदर से हटा दिया गया है। इस तरह की चूक पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कम से कम 1 व्यक्ति को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए, भले ही प्रस्तावित संख्या को बढ़ाकर 13 ही क्यों ना कर दिया जाए। सामाजिक समावेश की दृष्टि से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी एक पब्लिक पर्सन
या सोशल वर्कर को बीओजी में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण और संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी ऐसे समुदायों का समान प्रतिनिधित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे सामाजिक समावेश भी संभव हो सकेगा। बिल के अंतर्गत सभी संस्थानों की गतिविधियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक काउंसिल की स्थापना का प्रयास किया गया है, जिससे फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का विकास तथा मानकों का रखरखाव सुनिश्चित हो। बिल में प्रस्ताव है कि काउंसिल के सदस्यों के रूप में 3 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शामिल किया जाए, परंतु काउंसिल में सदस्य के रूप में वे सांसद जो नामित सदस्य होंगे वो उन्हें मेडिकल या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो, यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए। इस बिल में संशोधनों या उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों द्वारा अनिवार्य यह किया जाना चाहिए। डायरेक्टर्स की नियुक्ति के संबंध में इस बिल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को यह अधिकार दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात वे लोग जो है डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकेंगे, जबकि नाइपर का मॉडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के आधार पर किया गया है। ऐसे में इसके अंतर्गत काउंसिल भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही डायरेक्टर्स की नियुक्ति करता है, तो नाइपर्स में भी इसी तर्ज पर जो है काउंसिल जो है उसको भारत के राष्ट्रपति अनुमति दे और उसके पश्चात इनकी नियुक्ति काउंसिल द्वारा की जा सकती है, ऐसा मैं समझता हूं कि संशोधन होना चाहिए। काउंसिल की स्थापना के तहत काउंसिल का संयोजन एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी पद केंद्र सरकार या केंद्र से संबंधित ही हैं, राज्यों का कोई भी प्रतिनिधित्व जो है काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में राज्यों के लिए इन इंस्टीट्यूट द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उनके पक्ष में है, क्या कदम उनके प्रतिकूल है, यह राज्यों के लिए जान पाना मैं समझता हूं कि नामुमकिन सा साबित होगा। इसलिए ऐसे में आवश्यक है कि काउंसिल या गवर्निंग बॉडी में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य के विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इसमें काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि 7 नाइपर प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन सिर्फ पंजाब स्थित मोहाली नाइपर ही स्थापित हुआ है, जिसका कि कैंपस बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वर्ष 2012 में तमिलनाडु में मदुरई, राजस्थान में झालावाड़, महाराष्ट्र में नागपुर, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर और कर्नाटक में बेंगलोर में 5 नाइपर बनाने का प्रस्ताव तब से लंबित है, परंतु वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी EFC ने नाइपर्स को स्थायी कैंपस बनाने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं में उलझा के रखा हुआ है, जो सर्वथा गलत है। वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट भाषण में चार राज्यों में नाइपर्स स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। 26 मार्च 2018 में EFC ने चारों राज्यों में जो नव प्रस्तावित नाइपर्स की स्थापना के समेकित जो प्रस्ताव हैं उस पर विचार किया और EFC ने नाइपर्स के स्थापना प्रस्ताव को बाद में स्थगित कर दिया। कमेटी ने इस मामले को 2020 में 5वें वित्त आयोग की अवधि जो 2020-25 है उसके तहत समीक्षा के लिए जो है EFC ने अनुशंसा की है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा मानना है कि कोरोना महामारी के पश्चात अब देश को यह समझ लेना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में और रिसर्च के अंदर हमें जो है अत्यंत आवश्यकता है कि देश इसमें उत्कृष्ट कार्य करे और ऐसी स्थिति के अंदर देश के वित्त बजट को भी इस क्षेत्र के अंदर जो है पूरी तरीके से सही रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी विकट परिस्थितियों में देश जो है ऐसे महामारी जैसी चीजों से ऐसी परिस्थितियों से डट करके मुकाबला कर सके, लड़ने में सक्षम हो सके। मदुरई नाइपर में शुरू में वर्ष 2011 में स्वीकृत हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसकी स्थापना हेतु 116 एकड़ की भूमि भी आवंटित कर दी थी और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से इस बर्खास्त प्रोजेक्ट पर किसी तरह की प्रोग्रेस आज तक नहीं हुई है। 8 वर्ष से ये ऐसा ही प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। EFC को चाहिए कि मौजूदा नाइपर्स में सुविधाओं को अपग्रेड करने के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दे, अन्यथा सरकार की
यह जो घोषणा है यह भी जुमला मात्र साबित होगी। केंद्र सरकार विचार कर यह सुनिश्चित करे कि जिस प्रकार देश के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज और एम्स स्थापित हुए हैं, उसी तरीके से देश के हर राज्य में भी इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित हो, ताकि राज्यों को सीधे तौर पर उसका लाभ प्राप्त हो सके। जब हम स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी अत्यंत ही संवेदनशील हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्थान में जो है नाइपर की स्थापना की हम पहल करेंगे और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बिना हिचकिचाए, एक क्षण गवाए बिना नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करेंगे। मेरा मानना है कि अन्य राज्य भी इसी तरीके से जमीन आवंटन के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च की अन्य राज्यों में भी स्थापना की शुरुआत अगर करें, तो शुरुआत राजस्थान से करें, एवं राजस्थान में भी अति पिछड़े जो जिले हैं, सिरोही पाली, उन्हें उनका चयन किया जाना चाहिए, ताकि वहां पे विकास के साथ साथ रोजगार का नव सृजन भी हो सके, जो उस क्षेत्र की दरकार भी है। हम जब बात करते हैं काउंसिल की बैठकों की, प्रस्तावित बिल में कहा गया कि काउंसिल की बैठक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। काउंसिल सभी नाइपर्स के बीच में समन्वय के लिए शीर्ष निकाय है, और ऐसी स्थिति में प्रभावी समन्वय बनाने के लिए और नाइपर्स अधिनियम के तहत संस्थानों के बीच में ज्ञान को साझा करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए काउंसिल को वर्ष में एक से अधिक बार बैठना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रावधान में संशोधन कर हर वर्ष कम से कम 6 महीने में एक बार काउंसिल की बैठक वर्ष में होनी आवश्यक करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब हम बात करते हैं निदेशकों और अन्य निकाय सदस्यों के इंटर नाइपर्स स्थानांतरण की, तो मैं समझता हूं कि नाइपर संशोधन विधेयक 2021 में निदेशकों और संकाय सदस्यों के अंतर नाइपर स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। निदेशकों और संकाय सदस्यों के अंतर नाइपर स्थानांतरण से विभिन्न नाइपर्स के बीच में संपर्क बढ़ेगा और नाइपर्स की प्रशासनिक और शैक्षणिक दक्षता को दूसरे में स्थानांतरित करने में मदद भी मिलेगी, और इसके अतिरिक्त समयबद्ध स्थानांतरण और संकायों के आदान प्रदान से नाइपर के संकायों और निदेशकों के बीच की आपसी साझाकरण और सीखने की क्षमता को भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। धारा 33A का जो सम्मेलन की हम बात करते हैं, संशोधन विधेयक की धारा 33A में कहा गया कि एक संस्थान अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी। ऐसे में इस प्रावधान से संस्थानों को स्वायत्त कामकाज का उल्लंघन भी देखने को मिल सकता है, इसलिए सरकार को उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में निर्देश देगी और किस क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि संस्थाओं की स्वायत्तता की स्थिति जस की तस रह सके और ये उच्च संस्थान को देश में शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए नीतियां बनाने और प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा, इन सुझावों के साथ साथ शिक्षा, एक पंक्ति में पढ़ना चाहूंगा, शिक्षा को अंधविश्वास, घृणा और हिंसा से मुक्त और राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक एकता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्हीकल बनना चाहिए। ये पंक्तियां, ये शब्द 2014 के संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल थे। अब 7 साल बाद ऐसा लगता है कि या तो इन शब्दों का भाजपा के शब्दकोश के अंदर एक अलग ही अर्थ है, या ये सब भी बाकी की तरह अब जुमले थे। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें JNU, HCU, FTTI, IIT मद्रास और BHU बनारस पर सत्तावादी हमले होते रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्कृति को नष्ट करना मात्र है और असंतोष की हर आवाज को कुचलना जो है वो इसका उद्देश्य है।
जब हम शिक्षा क्षेत्र में एनडीए सरकार के 7 वर्षों की उपलब्धियां तलाश करने की बात सोचते हैं तो एनडीए सरकार की कार्यशैली लोकतंत्र पर हमला मात्र साबित होती है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण, केंद्रीकरण और संप्रदायीकरण की नीतियों का आक्रामक रूप से अनुसरण किया है। यह पिछली यूपीए सरकार की नव उदारवादी शैक्षिक नीतियों को समाप्त कर रहा है, जो सर्वथा गलत है और जिसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना और निजी पूंजी के लिए अधिकतम लाभ के रास्ते बढ़ाना मात्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एनडीए सरकार ने फंड में कटौती कर विश्वविद्यालयों में शोध के मूल सिद्धांतों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यूजीसी गजट नोटिफिकेशन 2015 के बाद जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों में सीट कटौती के मामले में अनुसंधान को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह अनुसंधान में अवसरों को कम करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति है। एक अच्छी तरह से आप सुनिए तो सब समझ में आएगा। एक अनुसंधान में अवसरों को कम करने के लिए स्पष्ट रणनीति है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित है कि विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में फैकल्टी की कमी है, जिसे कि पूरा किया जाना चाहिए। अब भी पद खाली पड़े हैं जो अनुसंधान के अवसरों को कम करता है। सभापति महोदय, देश में आज के हालात को ये 4 पंक्तियां क्या खूब दर्शाती हैं। लिसन टू मी, क्या बोल रहे हैं समझ में आएगा। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। यह आज के हालात दर्शाते हैं, यह पंक्तियां देश की परिस्थितियों को। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम सदन में जब बिल पेश हो तो विपक्ष के सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो 12 सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया, उन्हें रिवोक करने का आप कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी।